हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले पीरियड्स में मैंने बताया था भारत का परमाणु कार्यक्रम एवं नीति, उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। अतः भारत की परमाणु नीति बिल्कुल स्पष्ट है, इसके निम्न लक्षण बताए जा सकते हैं। भारत परमाणु अप्रसार संधि या व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि यह दोनों संधियां विभेदीकरण से युक्त हैं। दूसरा, भारत शांतिपूर्ण व रचनात्मक कार्यों के लिए परमाणु परीक्षण करेगा। नेक्स्ट, अपनी सुरक्षा की खातिर भारत परमाणु अस्त्र बनाएगा, किंतु उनके प्रयोग करने में पहल नहीं करेगा। यदि किसी देश ने भारत के खिलाफ ऐसा प्रयास किया तो भारत उसका उपयुक्त जवाब देगा। नेक्स्ट, आर्थिक दृष्टि से कमजोर और विकासशील देश होने के बावजूद भारत यथा आवश्यकता परमाणु अस्त्र बना सकता है, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकता। बात यह है कि ब्रिटेन व रूसी संघ के राजनेताओं ने हमारे आग्रह को समझा। जिन देशों ने हमारे परमाणु कार्यक्रमों की आलोचना की थी, वे भी रास्ते पर आ गए, जिससे उन्होंने हमें दी जाने वाली वित्तीय सहायता बहाल कर दी। परमाणु कार्यक्रम के क्षेत्र में भारत ने सराहनीय सफलता प्राप्त की है। उदाहरण, वर्ष 2008 में भारत व अमेरिका के बीच परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने पर भी अमेरिका से परमाणु तकनीक व ईंधन प्राप्त कर सकेगा। इसी समझौते के साथ ही परमाणु क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा भारत का बहिष्कार समाप्त हो गया। बाद में फ्रांस व रूस ने भी भारत के साथ ऐसे समझौते किए। भारत कभी भी परमाणु हमले की पहल नहीं करेगा। परमाणु युद्ध तब ही किया जाएगा जबकि कोई शत्रु देश भारत पर आक्रमण करेगा। नेक्स्ट, परमाणु नीति का एकमात्र उद्देश्य शत्रु के मन में भय उत्पन्न करना है। फिर है, भारत को यदि प्रतिक्रिया स्वरूप परमाणु युद्ध करना पड़ा तो वह अत्यधिक भयावह होगा। नेक्स्ट, जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, उनके विरुद्ध परमाणु कार्रवाई नहीं की जाएगी। भारतीय सुरक्षा बलों पर रासायनिक या जैविक हमला होने पर इसका जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु परीक्षणों पर नियंत्रण रखा जाएगा। भारत विश्व को परमाणु मुक्त बनाने व भेदभाव रहित निःशस्त्रीकरण का सदैव समर्थन करता रहेगा। शत्रु के हमले के विरुद्ध परमाणु कार्यवाही का निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा सुरक्षा मामलों के कैबिनेट समिति, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व रक्षा विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी की सलाह से लिया जाएगा। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पाकिस्तान के साथ चलते तनाव को देखते हुए भारत अपनी परमाणु युद्ध की पहल न करने की नीति में परिवर्तन कर सकता है। जैसा कि अगस्त 2014 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिए गए इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है, आज तक हमारी परमाणु नीति पहल न करने की है। भविष्य में क्या होता है यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत तथा विश्व राजनीति में बदलते हुए गठबंधन। जब भारत स्वतंत्र हुआ, शीत युद्ध शुरू हो चुका था। दुनिया दो ध्रुवीय होती जा रही थी। कुछ देश अमेरिका शिविर में प्रवेश कर रहे थे तो कुछ सोवियत संघ के घेरे में जा रहे थे। भारत ने गुट निरपेक्षता का मार्ग निकाला। नेहरू ने किसी महाशक्ति के शिविर में प्रवेश करने के विचार को नकारा तथा बहुत कड़े शब्दों में शीत युद्ध की निंदा की। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति को स्वतंत्र या
असंलग्नता की नीति भी कहा गया। फिर भी अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा और उसके संवर्धन की खातिर भारत का सोवियत संघ के प्रति झुकाव बना रहा, जिससे 1962 में चीन के आक्रमण तथा 1965 व 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय ठोस परिणाम निकले।